हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बेटा बेटा आज हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है सॉलिड स्टेट्स की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। होमवर्क में तीन क्वेश्चंस दिए थे, एक बार रिकॉल करा दूं। तीन क्वेश्चंस ये थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो शुगर और सॉल्ट होती है, तो शुगर और सॉल्ट किसी भी कंटेनर में डालने पे उनका शेप ऑक्यूपाई कर लेती है, तो वो सॉलिड है कि नहीं हमको ये बताना। तो बेटा उसका आंसर सुनिए कि शुगर और सॉल्ट जो है वो किसी भी कंटेनर में डालने पे शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पर फिर भी हम उनको सॉलिड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सॉलिड उनको? इसलिए बोलना है बेटा क्योंकि हाँ, शुगर और सॉल्ट को किसी कंटेनर में डालने पे वो उसका शेप तो ऑक्यूपाई कर लेते हैं बेटा कंटेनर का, बट अगर हम एक इंडिविजुअल शुगर को या एक इंडिविजुअल सॉल्ट क्रिस्टल को देखें, सिर्फ एक नमक के दाने को या चीनी के दाने को लेकर के देखें, तो हमको ये पता चलेगा कि उनका अपना एक फिक्स जियोमेट्रिक शेप है, फिक्स शेप है बेटा, ठीक है? तो इस वजह से वो सॉलिड है। दूसरा क्वेश्चन था कि रबर बैंड को स्ट्रेच करने पर उसका साइज इलॉन्गिनेट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या वो सॉलिड है? जी हाँ बेटा, वो भी सॉलिड है, क्योंकि रबर बैंड तब स्ट्रेच हो रहा है जब आप क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। उसका साइज तब चेंज हो रहा है जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग क्या है बेटा? एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का फोर्स है। आपने रबर बैंड पे एक फोर्स लगाया, वो स्ट्रेच हुआ। जैसे ही आपने उस फोर्स को हटा दिया, फोर्स को हटाते ही रबर बैंड क्या हो गया है बेटा? वापिस से अपनी शेप में आ गया है। तो इस वजह से जो हमारा रबर बैंड है, रबर बैंड भी क्या है बेटा? हमारा एक सॉलिड है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये था कि जो स्पॉन्ज होता है, क्या स्पॉन्ज एक सॉलिड है? क्योंकि उसको कंप्रेस करने पे वो कंप्रेस हो जाता है। तो हाँ बेटा, स्पॉन्ज जो है वो एक सॉलिड है, क्योंकि स्पॉन्ज जो है जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो स्पॉन्ज के अंदर कई सारे होल्स होते हैं। उन कई सारे होल्स की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एयर ट्रैप रहती है स्पॉन्ज के अंदर। और बेटा जब आप कंप्रेस करते हैं स्पॉन्ज को, तो क्या होता है? वो सारी की सारी एयर, बताइए क्या होता है? उन होल्स में जो ट्रैप होती है वो सारी की सारी एयर कंप्रेस करने पे बेटा रिलीज हो जाती है ना? और इस वजह से हमारा जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज क्या होता है? हमारा स्पॉन्ज भी एक सॉलिड है। तो बेटा आज का टॉपिक इन क्वेश्चंस के आंसर से ही शुरू करते हैं, ठीक है? कि हमने ये देखा कि जो स्पॉन्ज होता है हमारा, या जो हमारी चीनी होती है, या जो हमारा नमक का दाना होता है, या जो हमारे रबर बैंड्स होते हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार के सॉलिड हैं, है ना बेटा? हालांकि हम पहली क्लास में ये बात समझ चुके हैं अपने कि अलग अलग प्रकार के सॉलिड जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे ये मार्कर, ये बोर्ड, और ये बोर्ड का जो ये मेटालिक फ्रेम है, ये सब सॉलिड्स हैं, पर ये अलग अलग हैं क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में लग रहा है वो अलग है। बट बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सबसे पहले टाइप ऑफ सॉलिड्स, ठीक है बेटा? आज हम टाइप ऑफ सॉलिड्स करेंगे। और देखिए बेटा, टाइप ऑफ सॉलिड करने के बाद से हम हमारी केमिस्ट्री के, देखिए केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, जो हमको एकदम अच्छे से करके चलनी है अपने एग्जाम के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए, वो है हमारी एनसीईआरटी। तो बेटा इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए आपके एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स होंगे, चैप्टर के जो भी टॉपिक होंगे, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड जो इंडेक्स क्वेश्चन होगा और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे वो हम उसी टाइम सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है बेटा कि कभी टॉपिक छोटा हो, ज्यादा बड़ा ना हो, जैसे आज हो सकता है कि सिर्फ 40-50 मिनट की वीडियो में टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ही कवर हो, बट हाँ सॉरी टाइप ऑफ सॉलिड कवर हो बट हाँ बेटा टाइप ऑफ सॉलिड कवर होने के बाद टाइप ऑफ सॉलिड से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी में, वो सारे क्वेश्चंस भी इसी वीडियो लेसन में कवर होंगे। तो उनको हमें ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और नोट्स कॉपी में नोट करना है। और बेटा नोट्स कॉपी जो है आप लोगों की, आप सभी लोग जो लोग ये वीडियो देखेंगे और जो लोग सीरियस हैं पढ़ाई के लिए, वो सभी लोग बेटा नोट करें और मुझे होमवर्क भेजें, डेली होमवर्क भेजें। डेली आपको वीडियो मिलेगी, आप डेली मुझे होमवर्क भेजें कि हाँ भैया हमने आज काम कर लिया है, ठीक है? क्योंकि बेटा वो सब देख के थोड़ी एनर्जी आएगी, पावर आएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम अपने एंड पे आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ तो एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग आपके लिए एक दिन के 18-20-21 घंटे काम करते हैं बेटा। तो अगर आप भी हमारे लिए 2-3 घंटे काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक? तो चलिए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड। तो देखिए बेटा, हमारे पास टाइप ऑफ सॉलिड की अगर बात करें तो हमारे पास मेनली दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं,
एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड, और बेटा दूसरे होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा हम क्या करने वाले हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में जानेंगे कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड होते क्या है, कैसे दिखेंगे, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और बेटा इनके बीच में ना कुछ प्रॉपर्टीज के डिफरेंस होते हैं, अमॉर्फ और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टी है सॉलिड की, उनसे रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो हम वो डिफरेंस टेबल देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनसे जुड़े हमारे इंडेक्स क्वेश्चन है चार, और एक तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो हम उनको कवर करेंगे, और इस तरीके से आज की हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है बेटा। तो आइए आज ये हमारी सेकंड क्लासेस, के बाद छह क्लास और छह क्लासेस में फिर हम इस लेसन को और पूरा कवर करेंगे। इजी लेसन है, बहुत अच्छा है, ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। जैसा कि मैं बोलता हूं कि देखिए बेटा, जो जब भी आप कोई क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन पढ़ते टाइम पे आपको उसका बेस पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे जो आपके सॉलिड हैं या फिर कोई भी चीज है उनको क्लासिफाई किया जा रहा है, ठीक है बेटा। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स को अमॉर्फ और क्रिस्टलाइन में क्लासिफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कहने का मतलब समझिएगा बेटा कि हमारे सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है, ठीक है बेटा। इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, अमॉर्फ और क्रिस्टलाइन। जैसे बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारा स्टडी रूम है, तो हम हमारे स्टडी रूम को अच्छा बोल सकते हैं या बुरा बोल सकते हैं बेस्ड ऑन कि हमने उसको कैसे रखा है। अगर सारी बुक्स अपने शेल्फ में रखी हुई है, काम का सामान ही टेबल पे रखा हुआ है, सारा कमरा साफ सुथरा है, तो क्या है, वो एक गुड स्टडी रूम है। ऑन द अदर हैंड बेटा, अगर बुक्स शेल्फ में नहीं रखी हुई है सही से, सब कुछ ऐसे ही इधर उधर पड़ा हुआ है, काम की चीजें बेकाम की चीजें सब टेबल पे फैली हुई है, कोई साफ सफाई नहीं है, तो वो एक बेकार स्टडी रूम है ना बेटा। तो ठीक उसी तरीके से हमारे सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, इस बेसिस पे सॉलिड्स होते हैं अमॉर्फ और क्रिस्टलाइन दो टाइप के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड से, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो बेटा आइए चलिए शुरू, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं आउटलाइन करता हूं। बाकी आज की वीडियो के साथ साथ आपको इस वीडियो के से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो नोट्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, ग्रुप में ही मैं सेंड करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो नोट्स भी मिलेंगे आपको, क्योंकि ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने से बोर्ड पे कोई फायदा नहीं है, तो बस छोटा छोटा मैं लिखता हूँ ब्रीफ में, उस चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बाकी पूरे एक्सप्लेन नोट्स जो है वो आपको जो नोट्स भेजे जाएंगे उनमें मिल जाएंगे। तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल से बनते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से बनते हैं, मतलब अगर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें छोटे 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 कई सारे क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है बेटा। क्रिस्टल क्या होता है, तो क्रिस्टल ना एक 3D शेप होती है बेटा, क्रिस्टल एक 3D शेप होती है जिसका कि फिक्स शेप होता है, साइज होता है, फिनिट एंड शार्प एजेस और बाउंड्रीज होती है, ठीक है बेटा, एक फिक्स 3D शेप होता है उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये तो हुए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पहली बात, इतनी बात समझ में आई बेटा आपने को, क्या बोला बेटा भैया ने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न में। बेटा रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको। रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न का मतलब ये है कि कोई पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न हर थोड़ी देर के बाद अपने को रिपीट करता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल ये देखिए कि मान लीजिए कोई मैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का इनर व्यू ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर पहले लेवल पे एक पार्टिकल है, दूसरे लेवल पे फिर इस तरीके से दो पार्टिकल्स जा रहे हैं,
तीसरे लेवल पे फिर इस तरीके से एक दो तीन चार पांच पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा बेटा, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आप पूरे के पूरे सॉलिड में कहीं भी देखिए, आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। मींस इसके बाद भी फिर से एक दो और एक दो तीन चार पांच, बात समझ में आ रही है बेटा। मतलब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है, ये क्या कर रहा है खुद को बेटा, रेगुलरली रिपीट कर रहा है। रेगुलरली का मतलब बार 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 रिपीट कर रहा है कि आएगा 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 और आएगा, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में दो पॉइंट पढ़े, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से बनते हैं, रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न होता है। अच्छा चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अब बेटे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने का क्या मतलब है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने का मतलब यह है कि ये जो ऑर्डर है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, ये जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, ये बहुत दूरी तक जाएगा। इनके अंदर लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों ऑर्डर्स होते हैं। बात समझिएगा, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज होगा, यानी कि बहुत दूर तक हमें वो पैटर्न देखने को मिलेगा, एक कॉन्स्टेंट पैटर्न देखने को मिलेगा, और किसी किसी केस में वो कॉन्स्टेंट पैटर्न कुछ दूरी तक देखने को मिलेगा। तो इनके अंदर दोनों ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी बात की अगर मैं बोलूं, असलियत में अगर मैं किसी को सॉलिड बोल सकता हूं ना, तो वो है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे होते हैं ट्रू सॉलिड्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये तो पढ़ा हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से, हर एक क्रिस्टल का जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न होता है क्रिस्टल्स का, ठीक है। और ये जो पैटर्न होता है ये लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज दोनों ऑर्डर के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल देख लें बेटा, इसके एग्जाम्पल है बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl, टिपिकल एग्जाम्पल्स कि आप आराम से बता सकते हैं, किसी और कोई समझ भी जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा क्वैट जो होता है हमारा, जिससे कि बेटा क्वैट ग्लास बनता है, ठीक है ना, वो क्वैट्स, ठीक है। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अमॉर्फ सॉलिड पे बेटा। चलिए तो आइए बेटा समझने की कोशिश करेंगे। बेटा सबसे पहले तो ये समझिए कि अमॉर्फ सॉलिड के अंदर ये जो वर्ड है अमॉर्फ, अमॉर्फ वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड से, ठीक है बेटा। इस ग्रीक वर्ड का नाम है ओइमोर, ठीक है बेटा। और ओइमोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शेपलेस और इरेगुलर। कहने का मतलब यह है बेटा कि जो हमारे अमॉर्फ सॉलिड होंगे, इनके अंदर जो कंसिक्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, ये जो बात कही जा रही है ना कि शेपलेस और इरेगुलर, ये बात कही जा रही है कंसिक्वेंट पार्टिकल्स के लिए, कंसिक्वेंट पार्टिकल्स के लिए और ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट के लिए भी, कि जो हमारे पास अमॉर्फ सॉलिड होते हैं, अमॉर्फ सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलर शेप के होते हैं और इनका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट भी इरेगुलर होता है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो इनके बारे में यही हो गया बेटा, क्या कि अमॉर्फ सॉलिड्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो शेप इरेगुलर शेप के होते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है और ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट भी उनका फिक्स नहीं होता है ना बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे कि इनके अंदर जो रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न होता है, रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न जो होता है, रिपीटिंग पैटर्न जो होता है वो ऑब्जर्व होता है ओनली फॉर स्मॉल डिस्टेंस।
सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस के लिए, छोटी दूरी के लिए, यानी कि जो हमारे एमोल सॉलिड्स होते हैं एमोल सॉलिड्स के अंदर कुछ ही दूर तक रेगुलरेंट रिपीटिंग पैटर्न जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, कुछ दूर के बाद ये रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न हमको देखने को नहीं मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा। और उसके अलावा एक और बात आपको ध्यान से बता दें, जब आप एनसीईआरटी में अपने चैप्टर का, इस चैप्टर का पेज नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि इसका पेज नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें आपको लास्ट पैराग्राफ में देखने को मिलेगा, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि दिस अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर्ड स्केटर इन बिटवीन द डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। फिर से रिपीट कर दूं कि आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि दिस अरेंजमेंट इज स्केटर्ड इन बिटवीन द डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा कि जो हमारे अमॉर्फ सॉलिड्स हैं, अमॉर्फ सॉलिड के अंदर एक रेगुलर पैटर्न बहुत छोटी दूरी तक। तो बेटा देखिए, जो मैंने अभी लाइन रिपीट की कि दिस शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट इज स्केटर्ड इन बिटवीन डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है कि देखिए ये मैंने एमॉर्फ सॉलिड का व्यू बनाया है, इस एमॉर्फ सॉलिड के अंदर ये सारा का सारा जो आप देख पा रहे हैं ये सब कैसी अरेंजमेंट दिख रही है बेटा, ये सब डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ये सब है हमारी डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। अच्छा एक बात बताइए, अगर बेटा आप एक बार के लिए इस पूरे डायग्राम को देखिए, क्या आपको जो अपना जो हमने अभी अभी एक रेगुलर पैटर्न ड्रॉ किया था उसको पहचानने में थोड़ी सी समस्या हो रही है क्या? मतलब बेटा देखिए, यहाँ पे रेगुलर पैटर्न को समझना कितना आसान है कि 1 2 5 1 2 5 इसी तरीके से रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे रेगुलर पैटर्न को देखना कितना मुश्किल है, क्योंकि बेटा हमारा रेगुलर पैटर्न जो है वो कहाँ पे है, हमारा रेगुलर पैटर्न ये रहा, और ये जो हमारा रेगुलर पैटर्न है ये इस इरेगुलर पैटर्न के बीच में क्या हो गया है बेटा, देखो देखो क्या हो गया है, स्केटर हो गया है, लाल स्केटर हो गया है, फैल गया है, पता नहीं लग पा रहा है कि ये ऑर्डर अरेंजमेंट है, बात समझ रहे हो? चलो तो ये हुआ हमारे अमाउंट सॉलिड के बारे में, पर अभी खत्म नहीं होता है, अमाउंट सॉलिड की गाथा अभी थोड़ी बड़ी है। अगला पॉइंट सुनिए इनके बारे में, इन भाई साहब के बारे में, कि बेटा अमॉर्फ सॉलिड जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू लिक्विड, लिक्विड सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, जो हमारे अमॉर्फ सॉलिड्स होते हैं अमॉर्फ सॉलिड्स का लिक्विड्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो अब आप सोचेंगे कि भैया एक बात बताओ, सॉलिड है लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर है तो कुछ होगा क्या इसमें? अरे बेटा बिल्कुल होगा, क्योंकि ये लिक्विड है और इसका स्ट्रक्चर, सॉरी ये सॉलिड है, अमॉर्फ सॉलिड जो है वो सॉलिड है और इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है, लिक्विड के जैसा है, तो बेटा इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ये लो टेंडेंसी टू फ्लो, इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होगी बेटा, मतलब बहने की एबिलिटी होगी बेटा, बहने की क्षमता होगी। क्या बात कर रहे हो, सही में सॉलिड्स भी बहते हैं? अरे नालायक, सॉलिड ये बहेगा नहीं बेटा, बट इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होगी जिसकी वजह से ये फ्लो करेगा, बट ऑन अ वेरी स्लो रेट, बहुत स्लो रेट पे, क्योंकि बेटा इसको अपने सॉलिड रहने की मान मर्यादा इज्जत का ख्याल रखता है ना, लॉकडाउन में ये भी तो रामायण देखता है हमारे साथ, तो इसको भी मान मर्यादा और इज्जत का ध्यान है, ठीक है, तो ये फ्लो होगा पर बहुत स्लो रेट से। अब भैया हम कैसे माने, आप तो कुछ भी पढ़ा के निकल जाओगे और तो YouTube पे पढ़ा रहे हो, लॉकडाउन में आपको तो पकड़ भी नहीं सकते हम अभी कि भैया गलत पढ़ा के निकल गए। अरे बेटा चलो एग्जांपल देता हूं, कभी नोटिस करना, एक बहुत कॉमन एविडेंस है कि जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, लाइक 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी जो बिल्डिंग्स होती है, तो अगर उनमें कोई ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं, जैसे किसी बिल्डिंग में अगर कोई ग्लास पैनल लगा हुआ है, किसी पुरानी बिल्डिंग का ग्लास पैनल अगर हम देखते हैं, तो यह ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ग्लास पैनल का जो अपर पोर्शन है, जो ऊपर का पोर्शन है, वो थोड़ा थिन होता है, थोड़ा पतला होता है, और जो लोअर पोर्शन होता है वो थोड़ा थिक होता है, यानी कि थोड़ा मोटा होता है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो हमारा ग्लास है, ये क्या था, हमारा ग्लास था, तो ग्लास एक अमॉर्फ सॉलिड है, कैसा सॉलिड है बेटा, कैसा सॉलिड है बताओ, अमॉर्फ सॉलिड है,
और एमोफसाइड के बारे में भैया ने अभी हमें क्या बताया बेटा कि एमोफसाइड में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है पर ऑन अ वेरी स्लो रेट। तो इस वजह से ये जो हमारा ग्लास पैनल है, ग्लास जो था हमारा, ये इस लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टाइम का मतलब कि 5, 10, 50 साल के अंदर ये स्लोली स्लोली, मैंने क्या कहा, सॉलिड होने की मान मर्यादा इज्जत का भी ख्याल रखना है इसे और फ्लो भी करना है, तो स्लोली स्लोली ताकि इस पे किसी को शक ना हो, 5, 10, 20 साल में स्लोली स्लोली ऊपर से थोड़ा सा ग्लास जो है वो फ्लो होके नीचे तक आ गया है। तो इस वजह से ये ऊपर की पोर्शन में थोड़ा थिन दिखेगा और नीचे के पोर्शन में थोड़ा सा थिक दिखेगा, ठीक है। तो ये है हमारे बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फ सॉलिड। अब इनके बारे में और भी बातें हैं, तो उन और भी बातों को अलग अलग पढ़ने की बजाय हमें डिफरेंस टेबल बना करके पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंस टेबल बनाएंगे अभी हम और दोनों को पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप ये अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। मैं हट जाता हूं यहां से और ये अच्छे से देख लो, इसको नोट करना और बाकी नोट्स कॉपी मिलेगी उसमें डिटेल में लिखा जाएगा। तो चलिए बेटा आइए तो हम फटाफट डिफरेंसेस देखते हैं क्रिस्टलाइन और एमोफ सॉलिड के बीच में, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मतलब बेटा ये क्या है ना कि ये क्रिस्टलाइन और एमोफ सॉलिड की प्रॉपर्टी है और इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के साथ साथ हम इन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस भी एक ही साथ देख लेंगे, तो दो चीजें हम एक साथ कवर कर लेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोफ सॉलिड की प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज का डिफरेंस दोनों एक साथ, ठीक है बेटा। और ध्यान रखें कि जब आप लोग भी लिखेंगे तो आप लोग भी नोट्स बनाने टाइम पे इसी प्रकार से टेबल बना के लिखेंगे आमने सामने। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि जब हमारे पेपर में कोई डिफरेंस लिखने को आता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम टेबल बना करके सामने सामने लिखें, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है, वो खुश होते हैं और हमें ज्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व, तो बेटा कूलिंग कर्व क्या है कि देखिए कूलिंग कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि हमारा जो सॉलिड है जब वो फॉर्म हो रहा होता है तो उसके बारे में बताता है। कूलिंग कर्व में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा टाइम और एक होता है सॉलिड, ठीक है बेटा। तो कूलिंग कर्व जो होता है हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स का वो एकदम मतलब ऐसे स्मूथ होता है, एकदम स्मूथ, ठीक है ना, एकदम स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे जैसे हमारा टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो हमारा सॉलिड है बेटा, सॉलिड एकदम हार्ड 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 होता चला जाएगा। तो कूलिंग कर्व जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो होता है स्मूथ बिना किसी ब्रेक के, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व जो है उसमें होते हैं कई सारे ब्रेक्स, ये नॉन स्मूथ होता है बेटा। नॉन स्मूथ कैसे कि सॉलिड भी यहां से शुरू हुआ टाइम इस तरीके से, भाई ये क्या बना दिया आपने, देखो समझाता हूं। टाइम के साथ साथ जो सॉरी यहां पे टेम्परेचर आए, बेटा देखो जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होने के साथ साथ, ठीक है बेटा, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप होने के साथ साथ ये देखिए ये पॉइंट ए था, ए से टेम्परेचर ड्रॉप होना चालू हुआ। बेटे ध्यान से देखो बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, बोलो हाँ। तो बेटा ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है ना बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का, मतलब बीसी वाली लाइन जो ये हमारी कांस्टेंट है, बीसी वाली लाइन जो कांस्टेंट है, यहां पे हो रहा है सॉलिडिफिकेशन। बेटे सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फिकेशन, एशन का मतलब होता है किसी भी चीज की, ठीक है बेटा, एशन का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रक्रिया, किसी भी चीज का प्रोसेस, और सॉलिड मतलब सॉलिड बनने का प्रोसेस, इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। तो बेटा देखिए जो कूलिंग कर्व है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसमें ए से लेके बी तक टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, बी से लेके सी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है जिसमें कि सॉलिडिफिकेशन हो गया यानी कि सॉलिड बनेगा, और सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर कम होता जा रहा है जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड की प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, ठीक है बेटा। तो हमारा जो कूलिंग कर्व है क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये नॉन स्मूथ है, इसके अंदर कई सारे ब्रेक्स हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। दूसरा डिफरेंट है क्लीवेज प्रॉपर्टी,
क्लीवेज प्रॉपर्टी बेटा, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो बेटा क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए ध्यान से समझते हैं कि जो बेटा हमारे ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि काट के देखना किसी चीज को, कि अगर आप उस चीज को कट करके देखते हैं तो कट करने पे क्या होगा। ठीक है बेटा, तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लीवेज प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे, भैया कट कैसे करना है बेटे, बहुत सिंपल, कोई शार्प एज टूल ले लो जिसकी एज शार्प हो, जैसे चाकू ले लो, ठीक है चाकू ले लो, ठीक है तो चाकू ले लो और चाकू से इसे कट करो। तो बेटा ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो इससे जो नए सरफेसेस बनेंगे ना बेटा, वो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो कट करने पे ये दो नए सरफेसेस बने ना बेटा, ये जो दो नए सरफेसेस बने हैं ये होंगे प्लेन, स्मूथ और रेगुलर, रेगुलर। ठीक है बेटा, मतलब इस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करने से जो दो नए क्रिस्टलाइन सॉलिड बने हैं वो होंगे प्लेन, स्मूथ और रेगुलर, और ये भी 3D होंगे, जैसे ये 3D था वैसे ये दोनों भी 3D होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक अमॉर्फ सॉलिड है, अमॉर्फ सॉलिड को कट करने पे जो हमारे न्यू जनरेटेड पीसीस होंगे, जो नए पीसीस होंगे वो होंगे इरेगुलर। ठीक है बेटा, तो ये है दूसरी प्रॉपर्टी का डिफरेंस। थर्ड प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। बेटा ज्योमेट्री ऑफ कंस्टिट्यूएंट का क्या मतलब है, ज्योमेट्री ऑफ कंस्टिट्यूएंट का ये मतलब है कि कंस्टिट्यूएंट की ज्योमेट्री, कंस्टिट्यूएंट की बनावट कैसी है। विनर अभी तेरा नाम लिखा होता है, पता है कल ज्योमेट्री ऑफ विनर, कल मैं बच्चों को बताता विनय मोटा है थोड़ा मोरा है, चलो ठीक है तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन और एमऑफ सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनकी ज्योमेट्री कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की और एमऑफ की देखते हैं फटाफट। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनकी ज्योमेट्री होती है फिक्स 3D शेप क्रिस्टल्स की। बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो फिक्स 3D शेप के होते हैं। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फ सॉलिड के अंदर जो है हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, यानी कि हम इरेगुलर शेप का मतलब बोल सकते हैं कि नो फिक्स शेप। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट, टाइप ऑफ अरेंजमेंट, टाइप ऑफ अरेंजमेंट, टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो बेटा जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर होता है रेगुलर अरेंजमेंट, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और अमॉर्फ सॉलिड के अंदर होता है इरेगुलर अरेंजमेंट। अगला पॉइंट है बेटे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो बेटा ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या देखा था हमने, इनके अंदर लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों रेंज ऑफ ऑर्डर होते हैं, है ना बेटा। और जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड के अंदर सिर्फ क्या होता है बेटा, शॉर्ट रेंज ओनली, सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अच्छा सिक्स्थ प्रॉपर्टी बेटा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है सॉलिडिटी की, सॉलिडिटी की। बेटा इनकी सॉलिडिटी कैसी होती है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमें सॉलिड के बारे में बचपन से पढ़ाया गया था उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स बेटा, ध्यान रखिएगा दे आर ट्रू सॉलिड्स। इवन जब भी हम कोई सॉलिड बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि सॉलिड,
तो सॉलिड नाम जो हम बोलते हैं वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही ध्यान में रख के बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। ऑन द अदर हैंड बेटा जो हमारे अमॉर्फ सॉलिड्स थे, अमॉर्फ सॉलिड क्या करते हैं बेटा, सॉलिड जैसा दिखने का प्रयास करते हैं पर सॉलिड होते नहीं है, है ना, बहुत हद तक सॉलिड से थोड़ी थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो ये ना झूठे सॉलिड हो गए, झूठे सॉलिड, ठीक है। जैसे कि आप लोग हो सकते हैं अगर आप होमवर्क सबमिट ना करें तो, कि आप पढ़ने के लिए ग्रुप में तो ऐड हो गए हैं, आप वीडियो तो देख रहे हैं पर आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपने वीडियो प्ले की 2 मिनट देखा और उसके बाद बस फिर आपने कट कर दिया कि हाँ भैया को लगेगा कि हम वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके झूठे कहलाएंगे बेटा, झूठे, ठीक है। तो झूठे ना बने, सच्चे बने, ठीक है, पूरी वीडियो देखें, आखिर आपके भले के लिए हम बना रहे हैं, है ना। तो जो हमारे अमॉर्फ सॉलिड है उनकी सॉलिडिटी क्या होगी, कि ये झूठे सॉलिड है, झूठों को सूडो बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है स्यूडो सॉलिड्स, और क्योंकि बेटा इनका स्ट्रक्चर लिक्विड जैसा होता है पर ये बहुत ठंडे लिक्विड होते हैं तो हम इनको बोल सकते हैं सुपर कूल लिक्विड। बात समझ में आई बेटा। तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं ट्रू सॉलिड्स, और अमॉर्फ सॉलिड होते हैं स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड। अगली प्रॉपर्टी एमपी एंड बीपी अर्थात मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है फिक्स एंड शार्प, मतलब एक पर्टिकुलर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो मेल्ट और बॉइल हो जाएंगे। और जो अमॉर्फ सॉलिड हैं इनका कैसा होता है बेटा, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अर्थात बेटा कहने का मतलब समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अमॉर्फ सॉलिड होते हैं ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। जैसे मान तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो तो एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट और बॉइल हो गए, अमॉर्फ सॉलिड जो है एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मतलब इतने से इतने के बीच में, ठीक है, एक एक्स टेम्परेचर से वाई टेम्परेचर के बीच में ये मेल्ट होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा अगली प्रॉपर्टी, और एक और बात बता दो अमॉर्फ सॉलिड के बारे में बेटा, कि इस रेंज ऑफ टेम्परेचर में इनको मेल्ट करके आप किसी दूसरे शेप में मोल्ड एंड ग्रोन कर सकते हैं, मतलब इस रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट करके आप एक अमॉर्फ सॉलिड को कोई दूसरा शेप, कोई दूसरा टेक्सचर, कोई दूसरा फिगर भी दे सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी है बेटा हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बेटा। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब फ्यूजन क्या होता है बेटा, फ्यूजन प्रक्रिया होती है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हीट के बारे में यहाँ पे पढ़े हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इनको चाहिए होता है सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए। और जो हमारे अमॉर्फ सॉलिड होते हैं इनका हीट ऑफ फ्यूजन कैसा होता है, तो इनका होता है इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, फिक्स नहीं होता है। नाइन्थ प्रॉपर्टी बेटा, नाइन्थ प्रॉपर्टी में ना मैं पहले आपको एग्जांपल बता देता हूं बट इसको लास्ट में लिखिएगा, क्योंकि जो टेंथ प्रॉपर्टी है वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इवन बेटा वो प्रॉपर्टी बहुत छोटी है बट उससे ना कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, और वो एक डायग्राम आ जाता है जो एनसीईआरटी के इस चैप्टर के तीसरे पेज पे दिया हुआ है, यानी कि पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, 6 पे, हाँ 6 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं वो। अच्छा तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट की एग्जांपल है NaCl, क्वार्ट्ज। अगर कोई पूछे कि क्वार्ट्ज का केमिकल फॉर्मूला बताओ तो ये होता है, ये सिलिका होते हैं बेटा, ठीक है, टेट्राहेड्रल, सिलिका के टेट्राहेड्रल्स होते हैं, ठीक। तो ये होते हैं SiO4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल, और अमॉर्फ के एग्जांपल ग्लास, रबर, प्लास्टिक और क्वार्ट्ज ग्लास,
ठीक। क्वार्ट्ज ग्लास क्या होगा, तो क्वार्ट्ज ग्लास भी SiO4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल ही होंगे, बट इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल आप ये अच्छे से डिफरेंस देख लीजिए और इसको नोट करेंगे और उसके बाद आगे अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर बचे हैं तो उन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे हम अभी फिर, ठीक है। और हमारी आज की क्लास यही समाप्त होगी फिर। चलिए बेटा ये बात सुनिए, तो जो टेंथ और लास्ट प्रॉपर्टी है कृष्णायन और अभव सॉलिड के बीच की, वह है बेटा नेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स के दो प्रकार के नेचर होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे। एक होता है एनिसोट्रोपिक नेचर, और एक होता है आइसोट्रॉपिक नेचर। ठीक है बेटा, एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। आइसोट्रॉपिक नेचर ये होता है कि हमारे पास कोई सॉलिड है, उस सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, उसका हीट ऑफ फ्यूजन, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, जब आप उनको मेजर करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, फिजिकल प्रॉपर्टी को जब आप एक सॉलिड के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में मेजर करेंगे, तो डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पे वो हमें सेम वैल्यू देगा, हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू। चलिए ये बात मैं आपको सही से समझाता हूं, जैसे कि ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए हमारा जो आइस है बेटा, ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि आइस जो है वो मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये हम बात कर रहे हैं पूरे बल्क आइस की, पूरे के पूरे ओवरऑल आइस की। अगर हम आइस का इनर व्यू देखें, अगर हम आइस के जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं जिनसे मिलकर की आइस क्यूब बनी है उनको देखें, तो ये आइस क्यूब एक 3D स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज है। बात समझ में आ रही है आपको कि ये आइस क्यूब एक, जैसे ये हमारी आइस क्यूब है, इस आइस क्यूब के अंदर जो हमारे आइस के क्रिस्टल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में ओरिएंट हो रखे हैं, अरेंज हो रखे हैं, है ना बेटा। तो हो सकता है कि यहां वाले जो क्रिस्टल्स हों उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से हल्का सा ज्यादा नहीं, ठीक है ना, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है, बट फिर भी अगर हम पार्टिकल लेवल पे पढ़ रहे हैं तो समझना जरूरी है। तो हो सकता है कि इन वाले भाई साहब का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 0 डिग्री सेल्सियस से हल्का कम हो और इन वाले भाई साहब का 0 डिग्री सेल्सियस से हल्का सा ज्यादा हो, तो ये कम ज्यादा मिला करके ओवरऑल जो है इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो ये आइस क्यूब है इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी तरीके से जो हमारे अमॉर्फ सॉलिड होते हैं, अमॉर्फ सॉलिड आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, इसका मतलब जब हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट डायरेक्शंस में मेजर करेंगे तो वो हमें सेम वैल्यू देगा बेटा, ठीक है, सेम वैल्यू देगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उस वैल्यू से। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो हमारे सॉलिड होंगे, सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी को जब हम मेजर करेंगे, मैंने पॉज कर लिया, मैंने ठीक है बेटा, तो अमॉर्फ सॉलिड के अंदर क्या था कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पे सेम नहीं मिली, बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी को जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ठीक है बेटा, डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पे हमको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अब ना ये बात सुन के ही दिमाग खराब हो जाता है कि भैया क्या बकवास बात कर रहे हो, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अच्छा सॉलिड होता है, इसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसके अंदर पार्टिकल्स भी सही से अरेंज होते हैं और पार्टिकल्स भी सही होते हैं, फिर भी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने पे डिफरेंट वैल्यू देगा, और अमॉर्फ में ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी सेम वैल्यू देगा, ऐसा क्यों? तो चलिए रीजन बताते हैं आपको कि बेटा अमॉर्फ सॉलिड के अंदर, जैसा कि आपने अभी अभी भैया को बताया, भैया से आर्ग्यू किया कि अमॉर्फ सॉलिड के अंदर जो है बेटा जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर शेप के भी होते हैं और इरेगुलर अरेंजमेंट भी होता है, तो बेटा पूरे के पूरा अमॉर्फ सॉलिड ना एक ही जैसा हो जाता है, सब गुड़ गोबर,
ठीक है, सब एक जैसा हो जाता है, तो इसीलिए उसके अंदर जो सारी डायरेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, सेम होती है। बट वहीं अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉइल को देखें तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉइल के अंदर फिक्स जियोमेट्री होती है ना। हाँ तो आइए जरा जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम जरा क्रिस्टलाइन सॉलिड को थोड़ा इनर व्यू बनाकर देखते हैं। मैं मानता हूं कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो दो टाइप के पार्टिकल्स और एलिमेंट से बन रहा है, ए और बी से। तो ये मैं ए वाले पार्टिकल्स पहले बना देता हूं बेटा, ये ए वाले बनाए, ए वाले बनाए, ए वाले बनाए, गोल सा गोल सा गोल सा बना रहे हम, है ना, डोरेमोन बनाने की ट्रिक, गोल सा बनाओ गोल सा बनाओ। आप लोगों को तो आता होगा डोरेमोन बनाना, है ना, मुझे ही नहीं आता है ना, ड्राइंग बहुत खराब होता, क्या करें, बहुत खराब बहुत खराब, बस पढ़ाने लायक कुछ भी बन जाता उतना बहुत है, पता है। जैसे ये देखो ये मेरे बहुत सुंदर ड्राइंग है, पता है, आज मैंने ये ड्राइंग बना दी, अब मैं आज रात को सुकून से सो पाऊंगा कि वाह इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई मैंने बच्चों को समझाने के लिए। तो चलिए आइए आपको समझाते हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए ये है हमारे ए टाइप के पार्टिकल्स, ये है हमारे बी टाइप के पार्टिकल, ए टाइप बी टाइप और सॉरी हाँ बी टाइप और ए टाइप, ऐसे रिपीट होगा इसके अंदर डॉट डॉट ऐसे रिपीट होगा। चलिए अब हम देखते हैं, तीन डायरेक्शंस ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना, तीन या दो डायरेक्शंस। एक डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं हम ये, और दूसरी डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं हम ये। तो चलिए आइए देखिए फटाफट देखिए बेटे, ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है, अगर हम वर्टिकल लाइन के इस तरफ ध्यान दें तो कैसे पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स कैसे हैं ध्यान से देख के बताओ, ए टाइप के हैं। तो इस डायरेक्शन में मेजर करने पे फिजिकल प्रॉपर्टी अलग वैल्यू देगी। अगर हम इस तरफ देखें तो सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, बी टाइप के हैं, इस वजह से इस डायरेक्शन में मेजर करने पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग वैल्यू देगी। और बेटे जरा यहां नजर डालो, ये जो लाइन है ना इस लाइन पे नजर डालो, देखो ए टाइप पार्टिकल फिर बी टाइप फिर ए टाइप फिर बी टाइप फिर ए टाइप फिर बी टाइप, है ना बेटा। तो यहां पे जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, ए और बी दोनों की है, मतलब यहां पे अरेंजमेंट अलग है, यहां पे अरेंजमेंट अलग है, यहां पे अरेंजमेंट अलग है। तो इसी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी को जब मेजर करेंगे तो यहां पे वैल्यू बोलो अलग आएगी, यहां पे वैल्यू अलग आएगी, यहां पे वैल्यू अलग आएगी, ठीक है बेटा। तो चलिए आज का हमारा मेन टॉपिक था क्या बेटा, सॉलिड के टाइप्स को पढ़ना। तो सॉलिड के टाइप हम पढ़ चुके हैं और क्लासिफिकेशन जो है इसका हम देख चुके हैं, प्रॉपर्टीज के डिफरेंस देख चुके हैं। अब फटाफट चार इंडेक्स क्वेश्चन है और एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो मैं उनको नोट करता हूं, फटाफट आपको समझा देता हूं ताकि आप अपने हिसाब से उनका आंसर सही से लिख सकें। और ये जो पूरे पूरे नोट्स है सबको मैं दोबारा बता दूं कि बेटा ईमानदार रहे, मैंने ओरिएंटेशन क्लास में भी बोला था पूरी पूरी वीडियो देखें और सही से पढ़ाई करें। और ये जो जितने भी नोट्स हैं ये सारे नोट्स सभी लोग नोट करेंगे, और नोट करके इन पूरे नोट्स की जो आपने जो नोटबुक बनाई है इन पूरे नोट्स की फोटो मुझे सब लोग भेजेंगे, ठीक है, पर्सनल चैट में कि भैया हमने नोट्स कर लिए, भैया हमने होमवर्क कर लिया, सारी चीजें, ठीक है, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक बार देख लीजिए इसे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं फटाफट हम। चलिए बेटा ये बात करते हैं, तो ये हमारे पांच क्वेश्चंस हैं इंडेक्स में, ठीक है, फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस हमारे पहले टॉपिक के, दो टॉपिक हमने कवर कर लिए सॉलिड के बारे में और दूसरा टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में। अगली क्लास में हमारा तीसरा टॉपिक होगा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, टोटल आठ टॉपिक आठ क्लासेस में डिवाइड किए हुए हैं हमने। अच्छा, और ये एक क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क है तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी फटाफट देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर समझा रहा हूँ, आपको लिखने खुद है, ठीक है बेटा, और लिख करके आप मुझे दिखाएंगे, मैं ये आंसर देख करके बताऊंगा आपने सही लिखे हैं गलत लिखे, और अगर रिक्वायर होगा तो इनमें करेक्शन की जाएगी। तो बेटा पहला क्वेश्चन, वाई सॉलिड रिजिड, सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, क्लोजली पैक होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, जरा ध्यान देते हैं हम कि सॉलिड के अंदर होती है क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्लोज पैकिंग के अलावा जो इनका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कि पार्टिकल कहाँ होते हैं बेटा, फिक्स पोजिशन पे होते हैं, और इसी वजह से जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि बेटा सॉलिड के अंदर क्लोज पैकिंग होती है, अगेन क्लोज पैकिंग की वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स का कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो फिक्स पोजिशन को ऑक्यूपाई करेंगे और इधर उधर कहीं नहीं मूव कर सकते हैं, तो इसी वजह से इनका होता है फिक्स वॉल्यूम। अच्छा, ये पहले फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्लास को सुपरकूल लिक्विड क्यों बोलेंगे, तो बेटा ये तो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि ग्लास को सुपरकूल लिक्विड हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ग्लास क्या है, एक अमॉर्फस सॉलिड है जिसमें कि फ्लो करने की टेंडेंसी होती है बट ऑन अ स्लो रेट, है ना, तो इसी वजह से ग्लास जो है वो हमारा क्या है, सुपरकूल लिक्विड है। फिफ्थ क्वेश्चन, कि एक सॉलिड है जिसकी की फिजिकल प्रॉपर्टी को सारे डायरेक्शन में मेजर करने पर सेम वैल्यू मिलती है, तो हमें सॉलिड के नेचर के बारे में बोलना है कि कौन सा सॉलिड होगा, तो कौन सा सॉलिड होगा बेटा बताइए, हर डायरेक्शन में हमको सेम वैल्यू मिल रही है, तो यह सॉलिड होगा अपना अमॉर्फस सॉलिड। और पूछा जा रहा है कि क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा, बड़े क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करने का मतलब होता है कि कट करने पे सॉलिड को जो नए पीसीस होंगे वो प्लेन होंगे, स्मूथ होंगे, रेगुलर होंगे, तो क्या अमॉर्फस सॉलिड को कट करने पे जो न्यू पीसीस होते हैं वो प्लेन, रेगुलर, स्मूथ होते हैं, पढ़ा था पीछे हमने, होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, तो नो क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब होमवर्क का क्वेश्चन है आपका कि आपको अमॉर्फ जो सॉलिड होता है, अमॉर्फ सॉलिड और जो होता है इस टर्म को डिफाइन करना है कि क्या होता है अमॉर्फ सॉलिड, और इसके कुछ एग्जांपल देने हैं, बस यही क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे ये नौ पॉइंट्स, नौ चीजें आपको दी हुई है, आपको बता रहे कि कौन क्रिस्टलाइन है, कौन अमॉर्फ है, पॉलीयुरेथेन अमॉर्फ सॉलिड बेटा, नैप्थेलिन क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा, बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा, टेफ्लॉन अमॉर्फ सॉलिड बेटा, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेलोफेन अमॉर्फ सॉलिड, पॉलीविनाइल क्लोराइड अमॉर्फ सॉलिड, फाइबर ग्लास अमॉर्फ सॉलिड, कॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आज की क्लास होती है हमारी समाप्त, दो टॉपिक्स हमने कर लिए कवर, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट। अगली क्लास में हम पहले अमॉर्फ और क्रिस्टलाइन से रिलेटेड एक दो छोटी छोटी बातें आपको बतानी है, तो वो बातें मैं आपको बताऊंगा, और वो बातें बताने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास का हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके अंदर भी हम चार टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, हम चार टाइप पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और उससे भी जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो मिलता है फिर अगली क्लास में, है ना, चलिए जय हिंद।